हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स विद बबीता सिंह। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ किचन की सफाई के बारे में और जो किचन में कॉकरोच हो जाते हैं तो उसको कैसे हटाया जाए। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि किचन में इतने ज़्यादा कॉकरोच हो गए थे कि जब जाओ किचन में स्लैब पे इकट्ठा रहते थे। फिर मेरी सिस्टर से बात हुई तो सिस्टर ने एक ऐसी दवा बताई जिससे कॉकरोच वाकई में भाग गए, इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और उसके बाद मैंने जो डीप क्लीनिंग की उसके भी कुछ वीडियोस बनाए तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपको आगे दिखाती हूँ कि कैसे किचन की क्लीनिंग की और कैसे किचन सफाई किया और फिर मैंने कैसे किचन को सेट किया। सो गाइज, ये है वो हीट जेल जिससे पूरे कॉकरोच साफ़ हो गए और अब एक भी कॉकरोच नहीं दिखते हैं। और एक दो दिखते भी हैं तो उसको आप डॉट डॉट करके लगा देंगे तो पूरी तरह साफ़ हो जाएंगे। इसको पीछे से प्रेस करने पर जेल निकलता है इसमें से येलो कलर का, और उसको पूरे जगह आप डॉट डॉट लगा देंगे तो उससे कॉकरोच मर जाते हैं, एक भी कॉकरोच आपको दिखेंगे नहीं। उसके बाद पूरा किचन आपका साफ़ दिखेगा। सो गाइस, इस जेल को मैंने पूरे किचन में डॉट डॉट करके लगा दिया था और किचन पूरी तरह से साफ़ हो गया है और किचन से कॉकरोच भी पूरे भाग चुके हैं। और हाउस हेल्पर की मदद से मैंने पूरा डीप क्लीनिंग करवाया और मैंने भी किया साथ में, क्योंकि हर बार तो मैं अकेले कर लेती थी पर इस बार कुछ ज़्यादा ही कॉकरोच के कारण गंदगी हो गई थी तो मैंने हाउस हेल्पर की भी मदद ली और पूरा डीप क्लीन किया। और किस तरीके से मैंने क्लीनिंग की है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे एक जगह कहीं भी गंदगी दिख जाती तो लगता है सारा घर ही गंदा है, फिर जब तक पूरा क्लीन ना कर लूँ फिर मुझे चैन नहीं आता। इस वजह से इस जेल को पूरे किचन में लगाया और पूरा किचन अच्छी तरह से क्लीन किया और अब कॉकरोच एक दो भी दिखते हैं तो फिर आप दोबारा से उस जगह डॉट डॉट लगा दें तो वो धीरे धीरे पूरे साफ़ हो जाएंगे। अभी भी किचन क्लीन करने के बाद मैंने माइक्रोवेव के पीछे, दरवाजे के पीछे इस तरीके से जगह जगह लगा दिया है कि जिससे थोड़े बहुत होंगे तो मर भी जाएंगे। हम लोग पिछली बार से ही सोच रहे हैं कि घर को चेंज किया जाए, बट पिछली बार भी कोरोना आ गया था और इस बार भी हम लोग खुद ही बीमार पड़ गए तो हम लोग घर चेंज ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैं किचन रखना चाहती हूँ इसको रख नहीं पा रही हूँ। अगर नेक्स्ट ईयर हम लोग चेंज करते हैं तो उस किचन को मैं कैसे रखूँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये यहाँ पे मैं सारे डिब्बे खाली कर रही हूँ, जितनी भी दाल वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं इनको खाली करके दोबारा से धुलवा कर और फिर मैं इसमें सारे सामान भरूँगी। तो ये सब एक एक करके मैं खाली करते जा रही हूँ। तो अब ये सारे डिब्बे धुल चुके हैं तो एक एक करके मैं ला के रख रही हूँ। ये पूरी तरह से सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, तब मैं इसको अच्छे से पूरा साफ करके सुखा कर और तब मैं इसमें जो भी दाल खाली कर रही थी उनको भरूँगी। सो गाइस, तो इस तरीके से मैंने पूरा किचन सेट किया है। हम लोग दो ही लोग हैं तो इस वजह से मैंने स्टैंड रखा है छोटा सा और इसमें सिर्फ उतने ही बर्तन रखती हूँ जितने मुझे बिल्कुल ज़रूरत हो, बाकी सब मैं अंदर रखती हूँ। और ये एक प्लास्टिक का बास्केट है जिसमें मैं बड़े बड़े बर्तन रखती हूँ और यहाँ पे प्लेट वगैरह, ग्लास ये सब रहता है। और यहीं पर साइड में मिक्सर रखा हुआ है, केटली रखा हुआ है कि पानी की ज़रूरत लगे गर्म पानी की तो यहाँ कर लो। मिक्सर भी यहीं पर साइड में रखा हुआ है कि यहीं स्विच में लगा के डायरेक्ट मसाला वगैरह पीस लो। और चॉपिंग बोर्ड वगैरह रखा है और यहीं पे साइड में इसीलिए माइक्रोवेव भी है क्योंकि स्विच यहीं पे दिया हुआ है तो तीनों चीज़ मैं यहीं डायरेक्ट लगा लेती हूँ। और ये यहाँ पे कप और ट्रे रखा हुआ है, ये अभी मंगाया था मैंने तो मैं देख रही थी कैसा आया है। ये ट्रे मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, कप से भी ज़्यादा मुझे ट्रे अच्छी लगी, बहुत ही सुंदर है और अलग टाइप के, थोड़ी राउंड शेप में, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी। ये इस टाइप की है, काफ़ी बड़ी भी है और अच्छी है इसलिए मैंने ऑर्डर की थी। और ये ऑयल कंटेनर है, इसमें मस्टर्ड ऑयल रहता है, इसमें ऑलिव ऑयल रहता है, बट अभी सारी सफाई करके रखा हुआ है इसलिए अभी इसमें भरा नहीं है, आज मैं सारा इसमें भरूंगी ऑयल।
और ये ऊपर प्लास्टिक के कंटेनर रखे हुए हैं जिसमें सारी चीज़ें मैं भरकर रखती हूँ। अभी कुछ चीज़ें अंदर रखी भी हुई हैं पैकेट वगैरह, क्योंकि अभी मैं कल ही पूरा किचन सेट किया है, तो बाकी धीरे धीरे सारी चीज़ें रखूँगी। इसमें सारे पैकेट रखे हुए हैं जो मुझे उसके अंदर सब भरने हैं। इस तरीके से साइड में सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो भी किचन में ज़रूरत लगती हैं। और ये जितने बर्तन मुझे बिल्कुल यूज़ में लेने हैं वही मैं रखती हूँ सामने, क्योंकि पहले मैं सारे बाहर निकालती थी तो इस चक्कर में मेरे बर्तन पूरे स्टील के ख़राब हो जाते थे। अब मैं सब कुछ अंदर रखती हूँ, बिल्कुल जो ज़रूरत हो वही निकालती हूँ, क्योंकि वैसे भी हम लोग दो ही लोग हैं तो दो लोगों में ज़्यादा बर्तन लगते नहीं हैं। और यहाँ पे साइड में आलू वगैरह प्याज वगैरह ये सब रहता है, ये ऑयल रखा हुआ है। यहाँ पे साइड में आरो लगा रखा है और ये अदरक वगैरह कूटने को, और ये छोटा सा स्टैंड रखा हुआ है तो इसमें मैं चम्मच वगैरह रख लेती हूँ। और इसमें किचन की जो भी ज़रूरत की चीज़ें हों, विस्कर है, ब्रश है, सीज़र वगैरह की ज़रूरत लगती है किचन में, और ये सारे नाइफ़ वगैरह हैं, और ये आलू छिलने का है, ये सारी चीज़ें इसमें जितनी भी ज़रूरत लगती है किचन में स्टैंड पे रखा हुआ है। और यहाँ साइड में माइक्रोवेव रखा हुआ है और इसी के ऊपर मैं अपना इलेक्ट्रिक लाइटर रखती हूँ। और यहाँ पे जितने भी ये कलछी पलटा होते हैं, स्पैचुला वगैरह, इसको इसमें मैं हैंग करके रखती हूँ। और यहाँ पे किचन के जो भी टॉवल वगैरह है इसको रखती हूँ। और ये इसका कलर ऐसा है क्रीम कलर, ये गंदा नहीं है। और इस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैंग करके रखी हुई हैं। और यहाँ पे टंकी में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं रख देती हूँ, ये आटा रखा हुआ है और ये चकला बेलन है जिसको मैं इस तरीके से ढाक के रखती हूँ कि उसके ऊपर डस्ट वगैरह ना हो। और ये जो तीन डिब्बे रखे हुए हैं, एयर टाइट कंटेनर है। जितने भी बिस्किट नमकीन इस टाइप की चीज़ें होती हैं वो रखती हूँ क्योंकि ख़राब ना हो। और ये किचन में मैंने नेट का कर्टन लगा रखा है, बट मैं उसको लगाती नहीं हूँ क्योंकि फिर उसमें कुछ भी फंस जाता है तो गिरने का डर रहता है। फ्रिज को मैंने यहाँ पे रख दिया है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जगह भी नहीं घेरता है और किचन मेरा इससे बड़ा दिखता है, तो इसीलिए फ्रिज को मैंने यहाँ पर रख दिया है। और यहाँ पे सारी चीज़ें फैली थी किचन की, जो अब क्लीनिंग पूरी तरीके से हो चुका है। और यहाँ पतिदेव ऑफिस वर्क कर रहे थे। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।